मथुरा के जय गुरुदेव मंदिर के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। इस मामले में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ ट्रस्टी ने फर्जी वसीयत से बाबा का उत्तराधिकारी बनने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष पंकज बाबा सहित 14 लोगों के खिलाफ हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग जिला प्रशासन से की गई है। साथ ही बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रविवार को शहर के निजी होटल में पत्रकार वार्ता करते हुए वरिष्ठ ट्रस्टी और बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के उपाध्यक्ष राम प्रताप ने बाबा का उत्तराधिकारी बने अध्यक्ष पंकज बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु पर भी संशय जाहिर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया है कि जीवित रहते बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि यदि मेरी तबीयत खराब हो तो मुझे बड़े अस्पताल में मत ले जाना, ना कोई इंजेक्शन लगवाना, ना ही खून चढ़वाना। राम प्रताप ने खुलासा करते हुए कहा कि एक निकटतम अनुयायी के कहने पर मामूली रूप से अस्वस्थ होने पर 7 मई 2012 की सुबह बाबा गुरुग्राम स्थित डॉक्टर सेठी अस्पताल में भर्ती हुए थे। यहां उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। उन्होंने बताया कि अगले दिन उन्हें अहमदाबाद जाना था, लेकिन उनके साथ मौजूद पंकज सहित अन्य लोगों ने उन्हें जबरन मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उन्होंने बताया कि मेदांता में उन्हें इंजेक्शन देने के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया और बाद में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और करीब 10 दिन के बाद 18 मई की सुबह बाबा की तबीयत खराब होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें किसी दूसरे अस्पताल ले जाने को कह दिया। आरोप है कि इसके बाद उनके साथ मौजूद पंकज यादव, चरण सिंह यादव, रामकृष्ण यादव, करुणाकांत मिश्रा, मनोज गोयल, सुनील यादव, आशा देवी यादव, नानक भाई व रोहताश गुप्ता उर्फ पप्पू उन्हें बजाय किसी दूसरे अस्पताल ले जाने के एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पर रखकर वापस मथुरा ले आए और रात्रि में 9:55 पर स्वामी जी के देह छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने इस पूरे मामले को एक साजिश बताया। साथ ही कहा कि बाबा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए दी गई वसीयत में भी एक लाइन अलग से हाथ लिख कर जोड़ी गई थी और बाबा को यादव बताते हुए तत्कालीन सपा सरकार का भी आरोपियों ने पूरा लाभ लिया। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। हमारा ये कहना है कि अब किस आधार पे आप संचालन भी नहीं मांग रहे हैं, सब हमें अंतरिम संचालन दे दिया जाए, और अब किस आधार पे जबरदस्ती कब्जे हुए? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास गुंडे हैं, आप किसी को भरतपुर से आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हमारा ये था कि अभी हमने इन सारी स्थितियों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें पसंद नहीं, लोगों को जानकारी नहीं थी कि बाबा जगदेव जी महाराज के साथ मेदांता से लेकर यहाँ क्या हुआ। एक वजीब वाजिब सी बात है कि अगर मेदांता प्रशासन ने ये कहा कि साहब इनकी हालत ख़राब है, आप इनको यहाँ से कहीं और ले जाइए, तो ना तो पैसे की कमी थी, ना लोगों की कमी थी। मेदांता से निकलते अपोलो ले जाते, एम्स ले जाते, नहीं तो एयर एम्बुलेंस से किसी दूसरे देश में ले जाते। मथुरा में आखिर ऐसे कौन से डॉक्टर थे जो मेदांता के डॉक्टर से भी ज़्यादा काबिल थे, जो अपोलो के डॉक्टरों से भी ज़्यादा काबिल थे, जो एम्स के डॉक्टरों से भी ज़्यादा काबिल थे, और वो भी आश्रम में ऐसे कौन से डॉक्टर थे जो उनका इलाज कर सकते थे? तो आखिर क्यों उनको आश्रम लाया गया, क्यों नहीं उनसे बेहतर हॉस्पिटल ले जाया गया? एक तो ये चीजें क्लियर करनी थी, दूसरी लीगल पोजीशन ये क्लियर करनी थी, आखिर वो कौन से फर्जी दस्तावेज थे जिनके आधार पर बैंक खाते खोले गए, और उन बैंक अधिकारियों ने जहाँ खाते खोले थे उन्होंने क्यों नहीं लीगल पेपर उनसे मांगे के सवा 50 लाख से लेके आइए कि आप अध्यक्ष है आप, जबकि जो लेटर आपकी तरफ से राम प्रताप जी की तरफ से दिए गए थे बैंकों को, उसमें बैंक ने साफ जवाब दिया था कि जब तक सिविल न्यायालय या हाईकोर्ट आदेश नहीं करता है खातों का संचालन स्थगित रहेगा, इसके रहेगा। इसके बावजूद क्यों उनको पैसा निकालने दिया गया? और जो नई बैंकों में खाते खोले गए, एक्सिस बैंक है, ये 3-4 बैंक है, ये बैंक ऑफ इंडिया है, और ये यहाँ पे है विजया बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इनमें खाते खोले गए। संस्था का खाता खोलने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है, डिप्टी रजिस्ट्रार से लेटर लाना पड़ता है कि ये सचिव या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, तब खाता खुलता है। तो इस ट्रांसपेरेंसी में, इस षड्यंत्र में वो बैंक के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल है जिन्होंने पंकज यादव के खाते संस्था और ट्रस्ट के नाम से फर्जी खोले गए।
इसके अंदर ये जानकारी अभी जो प्राप्त हुई है थाना हाईवे के अंदर एक जांच के बाद विवेचना पंजीकृत अभियोग पंजीकृत हुआ है, जहां पे एक जो पंकज यादव और इत्यादि लोगों के ऊपर कूट रचित दस्तावेज और फर्जी दस्तावेज बनाने की प्रार्थना पत्र आया था। और इसके अंदर उसके ऊपर ये भी बताया गया कि बैंक खातों के अंदर भी जो है पैसा जो जमा था उसको गलत तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया है। इसकी जांच हुई थी, जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। आरोप कुछ नहीं है, आरोप हमने तो हमारी ये है कि ये जो कुछ हमारी इतनी बड़ी संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में इसके सब लोग हमारे अनुयायी हैं और जो आश्रम वालों ने जो कब्जा कर रखा है जिनका इस वक्त है उनके खिलाफ़ हमने जो एफआईआर की है इसकी जो जांच है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। हमारी यही मांग है कि ये इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और इसके बारे में मतलब ये है कि दूध का दूध पानी का हो जाए, सबको ये पता चल जाए कि इन लोगों ने क्या किया है और इसकी साफ सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार लखनऊ ने अपनी जांच रिपोर्ट में 4 अक्टूबर 2017 में ये जो अपने रिपोर्ट दी है उसको लागू किया जाए। नहीं ये तो देखो साहब, ये तो क्या है कि जब इनका दबदबा है, मैं जब वहाँ पहुँच रहा हूँ मेरे पे एफआईआर हो रही है, मेरे बेटे पे एफआईआर हो रही है। आपको मैं अभी क्या हुआ कि मैं पूरी बात बता भी नहीं पाया, आप लोगों ने और बात शुरू कर दी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरा जो बेटा है वो लंदन रहा है 5-7 साल। जब वो आश्रम आता था तो सुशीला जी जो हैं, जो ट्रस्टी भी हैं और स्वामी जी महाराज का रसोई का काम देखती थी, वो उनने उसको कहा बेटे को कि बेटा जब स्वामी जी महाराज आते हो तभी तुम यहाँ आते हो, अन्यथा तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आती हो। तो उनने कहा कि मैं आंटी जब भी आऊँगा अगली बार आऊँगा। तो ये फरवरी 2012 का वाक्य मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे बेटे के दोस्त थे गुजराती, वो वृंदावन दर्शन करने आए, उनको उनने ट्रेन पर छोड़ा और ट्रेन पर छोड़ने के बाद वो आश्रम आए, उनके साथ एक अभिषेक चौधरी उनका दोस्त था। जब वो आश्रम पहुँचे, आश्रम पे जो गुरु महाराज की जो कुटिया है उसका दरवाज़ा बंद था, शाम का टाइम था और उनने खूब खटखटाया पर उनने दरवाज़ा नहीं खोला। बाद में बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला और जैसा मेरा बेटा अंदर घुसा उनने फट दरवाज़ा बंद कर दिया। जो दूसरा उसके साथ था उसको वो भारी रह गया और दो आदमी थे, दोनों के हाथ में बंदूक थी और वो आग ताप रहे थे। स्वामी जी महाराज का काफिला उस समय गुजरात में था और मेरे बेटे ने कहा कि भाई मैं तो सुशीला जी के पास जा रही हूँ। और जब बेटा मेरा 4 साल का था तब से इस आश्रम से जुड़ा हुआ है और वो आना जाना लगा सबको पता है। तो उसने कहा भाई मैं तो राम प्रताप जी का बेटा हूँ और भरतपुर से आया हूँ। उनने कहा कि हम किसी राम प्रताप को नहीं जानते। और जैसे मेरा बेटा आगे गया तो उसमें से एक जो आदमी था, अरे ठहर जाओ यार, एक जो आदमी था वो फट कमरे में गया और दो नाली बंदूक लेके आ गया। उसने बंदूक को लोड किया और लोड करके मेरे बेटे के खोपड़ी पे लगा दिया। और जब मेरे बेटे ने देखा कि भैया इसका दिमाग ख़राब है, क्या कर रहा है ये, आश्रम पे क्या हो रहा है, हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। वो पंकज यादव के चेले थे, उनको ये आदेश था कि कोई भी यहाँ पर आए उसको जान से मार दो। उनने उस बेटे ने देखा कि ये तो फायरिंग होने वाली है, उसने बंदूक की नली को ऊपर कर दिया और धड़ाम से ना मतलब गोली चल गई। दो गोली चलती हुई सारे आश्रम के लोग वहाँ पर आ गए। मेरा बेटा भाग के गया अंदर जहाँ सुशीला जी थी और सुशीला जी के साथ जितनी भी लेडीज थी उनने दूसरा आदमी माना नहीं, वो जाके दूसरी बंदूक लेके आ गया और उसने बेटे के छाती पर लगा दिया। और उसने जैसे बट को खोला दोनों कारतूस नीचे गिर गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो साहब इन लोगों का आतंक है और वो जो एक गोली फायर हुई है उसका कारतूस मेरे पास है। एक था जानकी प्रसाद, उसने फायर किया है, ये उसका कारतूस है, उसकी बंदूक से मैच किया जाए। तो ये तो पंकज यादव के साहब सुरक्षा के लोग थे कि जो गुरु महाराज का जो खजाना था उस पर किसी की नियत नहीं हो और ये इसी गुरु महाराज के खजाना जो हजारों करोड़ का कैश था उससे इन्हें मतलब ये है सरकार
को शासन को प्रशासन को पे अपना दबदबा जमाया और उनने सारे अपने काम करवाए और सारे फर्जी काम करवाए। आपने पुलिस को सूचना नहीं दी आपके बेटे ने? क्या सवाल है आपके? क्या किसी का सवाल नहीं, सवाल ये है कि सब लोगों को इस चीज का डाउट है कि जो जो गुरु महाराज मतलब ये है कि बाउंड्री वॉल मई के महीने में बनवा रहे हैं और जो जो मतलब ये है कि आराम से धीरे धीरे सुबह 4:30 बजे आश्रम से निकल के 1 बजे पहुंच रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है और छोटे आश्रम छोटे हॉस्पिटल डॉक्टर सेठी के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं 1 बजे और रात के 2 बजे तक उनका वहां पर इलाज होता है और उनको आराम होता है और आराम होने के बाद वो आर्यू सिंह जो हमारे संस्था के प्रबंध समिति के मेंबर हैं उनके घर पर जाते हैं, रुकते हैं और सुबह 8 बजे कहते हैं मुझे फिर सिटी हॉस्पिटल में जाना है और ये आश्रम वालों ने उनको जबरदस्ती वेदांता हॉस्पिटल में जाके सीधे वेंटिलेटर पर डाल दिया और क्या आपको चाहिए? आप मुझे ये बताओ, आप मुझे नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर इस समाजवादी पार्टी का इनके ऊपर किसी प्रकार का मतलब इनकी सहयोग नहीं होता तो कैसे होता? मेरे ऊपर 2 मिनट में FIR कैसे होती? फिर जब मैं मतलब ये है कि 30 अगस्त को 2012 में मैंने DM साहब को एक पत्र लिखा कि मैं पूर्णमासी का दिन है मैं मथुरा पे आ रहा हूँ दर्शन करने, 29-30 का कार्यक्रम था ग्वालियर, 29 तारीख को जब मैं भरतपुर से रवाना हुआ ग्वालियर के लिए और वहाँ से ग्वालियर से मुझको 30 तारीख को आना था तो मेरे पास SSP साहब का फ़ोन आया कि राम प्रताप जी आप आ रहे हो? मैंने कहा आ रहा हूँ। क्यों आ रहे हो? मैंने कहा साहब ये तो ब्रिज भूमि है, मंदिर पे खुशी से हमको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आवश्यकता क्या, मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमे चलते रहेंगे साहब, सैकड़ों साल चलेंगे। स्वामी महाराज की हत्या की गई थी, क्या आरोप है आपका? नहीं लगता है कि स्वामी जी महाराज के साथ जो लोग उनको खाना देते थे, जो उनकी दवाई देते थे, स्वामी जी महाराज घेले में रहते थे और जब स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि मेरे को किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगा जाए, कोई चीरा फाड़ी नहीं की जाए, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाए, ये सारे काम वेदांता हॉस्पिटल में किए गए। कौन लोग रहते थे उनके साथ? ये जो आश्रम जिनका कब्जा है ये लोग हैं सब। अस्पताल की साजिश मानते हैं आप? क्या जी अस्पताल की साजिश है? ये जो अस्पताल है ये शिवपाल यादव की इसके अंदर पार्टनरशिप है और उनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया। हमारे जयपुर से भी हम लोगों ने डॉक्टर को लेकर के गए थे 14 मई को, तभी उन्होंने कह दिया था कि गुरु महाराज पर अब कुछ भी नहीं है, ये खाली वेंटिलेटर पर धोखे में रख रखा है। उन्होंने वहाँ से तुरंत चल दिए डॉक्टर साहब और बहुत ऊंचे डॉक्टर हैं, अजमेर के पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उसके इलाज किया उन्होंने बहुत तगड़ा, उनकी वो बात भी नहीं सुनी गई। और हमारे को 100% ये है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही ये बाबा जी की हत्या इन लोगों ने की है, ये दुख दर्द हम किसके सामने कह सकते हैं। आपने शिवपाल यादव का नाम लिया है, शिवपाल यादव जी का क्या रोल है? शिवपाल यादव जी का हॉस्पिटल है, हम तो ये सोचते हैं कि भैया जिसकी सरकार उसी लोगों ने सब हमारे साथ में ये किया, जातियाँ इन लोगों की बात को सुनी क्यों? हमारी बात को तो आज तक नहीं सुन रहे हैं, मजबूरी में हमको FIR दर्ज करनी पड़ी और इस FIR के हम ये चाहते हैं, सिर्फ इतनी सी निवेदन चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो जाए। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसकी CBI जांच होगी और जो भी गुनहगार होंगे उन सबको सजा होगी, जेल में जाएंगे ये सब। हमको आश्रम से कोई मतलब नहीं है, हम एक आम सत्संगी के ऐसे से कह रहे हैं, हमको न वहाँ पर रहना न कुछ, हम तो ये कहते हैं कि हर आदमी आए और वहां पर आकर के गुरु महाराज के दर्शन करें और शांति से चले जाए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।